हाय फ्रेंड्स, आई एम सुमित संगई फ्रॉम रेनबी इन्वेस्टमेंट और आज हम देखेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक जो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग के हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। और पिछले वीडियो में हमने बेसिकली किस तरीके से ये स्ट्रेटेजी कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी को हम यूज कर सकते हैं वो डिटेल लेवल पे समझाया था विद नंबर्स एंड फैक्ट्स। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो वीडियो जरूर देखें। ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। और करेंटली मैं बात करूँ तो एक पर्टिकुलर सेक्टर है जहाँ पे अमेजिंग तरीके की अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी के अंदर किस तरीके से हम प्ले कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक का डिस्कशन भी करूंगा, जहाँ पे एक रैली इन्वेस्टिंग का या कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग का क्लासिक एग्जांपल है अपॉर्चुनिटी लाई करती है। तो ये डिटेल वीडियो रहेगा तो इसको आप अच्छे से समझिएगा किस तरीके से मैंने इसको लॉजिकली कनेक्ट किया है। और वीडियो के अंदर एक और चीज ये है कि ये जो वीडियोज मैं बनाता हूँ ये लर्निंग पर्सपेक्टिव से होता है और आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करके बाय और सेल करना है, मेरे कहने पे बाय और सेल बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे करेंटली एक पर्टिकुलर कंपनी जो मुझे लगता है कि काफी अच्छी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है तो वो है बॉश। तो बॉश मैंने जैसे मैंने कहा कि मैं यूजुअली एक पर्टिकुलर सेक्टर को देखता हूँ, सेक्टर में किस तरीके की हेडविंड्स है वो कंसीडर करता हूँ, क्या वो टेम्परेरी है परमानेंट। तो यहाँ पे मुझे लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर आप इंडेक्स भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 5 to 7 ईयर्स जो एक मेजर कंसोलिडेशन आया है और यहाँ पे जो है पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर मुझे अप्लाई करना है ये जो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग तो मुझे लगता है बॉश इज अ वेरी गुड एंसिलरी कंपनी जिसके थ्रू मैं ये प्ले कर सकता हूँ। तो थोड़ा नंबर्स भी देख लेते हैं किस तरीके की स्टोरी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव चीजों की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कि ऑटो सेक्टर में एक मेजर स्लोडाउन है और लास्ट 5-7 साल से जो एक अच्छी खासी स्लोडाउन है, दैट बेसिकली मींस कि इट गिव्स अ सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये क्या ये टेम्परेरी है या परमानेंट? तो मुझे आप बताओ कि अभी ईवी सेक्टर में हर कोई का बोलबाला है कि ईवी सेक्टर क्या ना क्या कर देगा, बट थोड़ा सा हम नंबर्स में देखेंगे। बट क्या ये ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ये बंद हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं। हम ट्रैवल जरूर करेंगे, विद इन सिटी हो, आउटसाइड सिटी हो, विद इन कंट्री हो, तो हम ट्रैवल करेंगे तो गाड़ियों की जरूरत एक्चुअली पड़ेगी, बसेस हो, ट्रक्स हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सामान ले जाने के लिए। तो इस पर्सपेक्टिव से ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ये कभी बंद नहीं हो सकता। तो चीजें टेम्पररी है। फ्यूचर में कैसा लग रहा है कि ईवी स्टोरी जो है प्ले करेगी? तो ईवी स्टोरी को भी थोड़ा सा समझेंगे, एक्चुअल नंबर्स में समझेंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब ये पर्टिकुलर ईवी स्टोरी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे बॉश के लिए कहा जा रहा है कि क्योंकि ईवी स्टोरी जो है फ्यूचर में आने वाली है तो बॉश का बिजनेस बंद होने वाला है। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं बॉश के लिए। तो बॉश जो है ये बेसिकली काफी सारे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट्स जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज को सप्लाई करता है और सप्लायर है टू मोस्ट ऑफ द बिगर कंपनीज। तो बॉश जो है बहुत पुरानी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, जो इंडिया में बेसिकली एक बिजनेस यूनिट जो इंडिया के पर्टिकुलर कस्टमर्स को डील करता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं पुराना एग्जांपल देता हूँ। लास्ट 10 इयर्स में चाइना ने $60 बिलियन की सब्सिडी दी है। कितनी? 60 बिलियन सब्सिडी। और करेंटली मैं बात करूँ 10 इयर्स में $60 बिलियन की सब्सिडी देने के बाद चाइना में मात्र केवल 4% व्हीकल्स जो है ये ईवी व्हीकल्स हो गए हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना आसान होता नहीं है पुश करना। और यही में अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में $1.5 बिलियन की सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने लास्ट 10 इयर्स में। तो आप देखो किस तरह का गैप है, ऑलमोस्ट 40 टाइम्स ज्यादा सब्सिडी दी है चाइना ने। तो चाइना इतनी बड़ी कंट्री है नहीं कि 40 टाइम्स इंडिया से ज्यादा सब्सिडी दे, बट आप देखो किस तरह की गवर्नमेंट का पुश है चाइना का, इंडिया से काफी ज्यादा पुश है। इवन आफ्टर दैट जस्ट 4% व्हीकल्स जो है ईवी व्हीकल्स है। और वहीं में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं तो गवर्नमेंट ने कंसिडर किया कि पेट्रोल जो कार है वो बेसिकली इनकी शेल्फ लाइफ जो है 10 ईयर्स की है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। कार्स की जो पेट्रोल कार्स जो है या कंबस्टिबल इंजन है इनकी लाइफ 10 ईयर्स से ज्यादा होती है, लेकिन एक बार के लिए 10 ईयर्स की भी मान लेते हैं। तो 10 ईयर्स के लिए जो है 2030 के बाद भी 10 ईयर्स तक कार्स जो है लगातार बिकेंगी, क्योंकि ये जो नंबर है 10 ईयर्स की कार्स की जो लाइफ है उसके दौरान जो है आपको बॉश के पार्ट्स एक्चुअली चाहिएंगे, राइट। तो यहाँ पे 2030 तक मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2030 तक अगर मैं बात करूँ तो 26% यहाँ पे मैं 2030 तक की बात करूँ तो 26% टू व्हीलर्स जो है वो ईवी व्हीकल होंगे, 23% जो है थ्री व्हीलर ईवी होंगे, 6% कार्स जो है ईवी होगी और 2% ट्रक्स जो है ये ईवी होंगे। हालांकि ट्रक्स के लिए मुझे लगता है पर्सनली बहुत डिफिकल्ट है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बॉश की बात कर लेते किस तरीके के इसके सेल्स होते हैं किस तरीके के पर्टिकुलर सेगमेंट से, तो नॉन ऑटोमोटिव सेल्स जो है 15% है। तो यानी ऐसे कई सारे कंपनीज है जहाँ पे ऑटोमोबाइल डायरेक्टली ऑटोमोबाइल सेक्टर को कैटर नहीं करती, वहां से 15% रेवेन्यू आती है, तो वो बेसिकली ईवी स्टोरी से एक्चुअली इंपैक्ट होंगे नहीं। उसके बाद 21% जो है आफ्टर मार्केट सेल्स है, स्पेयर पार्ट्स है, जो अगेन नेक्स्ट 18 ईयर्स तक जो है इंपैक्ट हो नहीं सकते। जैसे मैंने कहा कि कंबस्टिबल इंजन जो है लगातार बिकती रहेगी और 10 ईयर्स की शेल्फ लाइफ मिनिमम होती है, तो ये जो 21% है ये इंपैक्ट नहीं होगा। उसके बाद कमर्शियल व्हीकल, जैसे मैंने कहा कि जो हेवी ट्रक्स होते हैं या कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं वहां पे 25% रेवेन्यू जो है उनकी कमर्शियल व्हीकल्स से आती है, वहां पे भी जो है ईवी स्टोरी बहुत ज्यादा नेक्स्ट 10-15 ईयर्स तक प्ले नहीं कर सकती, तो वो बिजनेस जो है अगेन इंपैक्ट नहीं होगा। और ट्रैक्टर्स की बात की तो अगेन ट्रैक्टर्स में ईवी स्टोरी लाना बहुत ही मुश्किल है, नेक्स्ट 20 ईयर्स तक मुझे लगता है कि ट्रैक्टर्स में ईवी स्टोरी प्ले करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे जेनसेक की बात की तो अगेन जेनसेक बिजनेस जो है ये इंपैक्ट नहीं होगा। तो टोटल 15% 21% 25% 8% और 2% कुल मिला के ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो ये हो जाता है 71% जो बिजनेस इंपैक्ट नहीं होगा। बिजनेस कौन सा इंपैक्ट होगा वो है 29% जो
डीजल कार, गैस कार, यूटिलिटी कार, जहाँ पे ऑलमोस्ट 29% की रेवेन्यू यहाँ पे इम्पैक्ट मैक्सिमम हो सकती है। तो ये जो मैक्सिमम नंबर है ये है, तो 30% बिजनेस जो आपका इम्पैक्ट हो सकता है, तो ये बेसिकली सबसे मैक्सिमम नंबर्स होते हैं। तो उसके बाद जो है, क्या ये बिजनेस जो है ये एकदम से कोलैप्स हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो स्टोरी जो है इंटैक्ट है, और पर कैपिटा इनकम ग्रो होगी तो नंबर ऑफ कार्स भी बढ़ेंगी, राइट। सेक्टर अपने आप में जो है बड़ा होगा, तो सेक्टर जब बड़ा होगा तो अल्टीमेटली जो है बॉस के जो पार्ट्स है एज अ एंसिलरी आइटम जो है ये बेसिकली बिकना या रुकना स्टॉप होंगे नहीं, क्योंकि 70% बिजनेस जो है इंटैक्ट है। और वहीं मैं अगर प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ आपको थोड़ा सा नंबर्स दिखा देता हूँ किस तरीके की रही है 5-7 ईयर्स में, तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। तो रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने एक नया भारत स्टेज 6 लाया था, जिसके बाद जो है गाड़ियों को अपग्रेड करना पड़ा, जो इंजिन है उसको, जो रिसेंट नॉर्म्स है उसको कैटर करना पड़ा, और उसके भी हम थोड़ा इंपैक्ट देखेंगे। बट पास्ट में हम देख लेते हैं किस तरीके से जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लाए थे भारत स्टेज 6 के पहले, तो किस तरीके की बॉस के बिजनेस पे इंपैक्ट हुआ था। तो 2002 में क्या हुआ था, भारत स्टेज 2 लाया गया था, और उसके बाद जो है प्रॉफिट अगले 2 साल तक 64% और 75% रेस्पेक्टिव ईयर में ग्रो हुआ था। और वहीं भारत स्टेज 3 लाया गया था 2005 में, और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट जो है 70% ग्रो हुआ था 2007 में। और वहीं मैं 2010 की बात करूं तो यहाँ पे भारत स्टेज 4 लाया गया था, और उसके बाद जो है 45% इमीडिएटली जो है प्रॉफिट ग्रो हो गया 2011 में। उसके बाद भारत स्टेज 6 जैसा मैंने कहा 2021 में लाया गया था, और उसके बाद 2022 में आप देखो 40% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है। तो इस तरीके से लगातार जब भी भारत गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लाया है तो कंपनी की प्रॉफिट एक्चुअली ग्रो हुई है। और उसका रीजन ये कि जब कंपनीज को अपग्रेड करना होता है तो जो भी कंपनी एक्चुअली वो ऐसे पार्ट सप्लाई कर सकती है, उसके साथ जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी है वो टाइप करती है, और बॉस जो है लगातार जो अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लाता रहता है, गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव आते हैं उस हिसाब से अपने आपको अडेप्ट करना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, काफी पुरानी कंपनी है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स जो होते हैं कोई भी पर्टिकुलर कंट्री के, उसके नॉर्म्स के हिसाब से जो पार्ट्स है उसके लिए बहुत ज्यादा आरएनडी पे खर्चा करता है, जो स्मॉलर प्लेयर्स की बस की बात होती नहीं है। और ये जो ऑटोमोबाइल कंपनीज होती है अक्रॉस इंडिया, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, चाहे मारुति हो, टीवीएस हो, टाटा हो, ये जितनी भी टाटा मोटर्स हो, इस तरीके की हुंडई है, जिस तरह की कंपनीज है, ये कंपनीज बेसिकली इनिशियल लेवल पे चाहे या ना चाहे उनको बॉस जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ टाइप करना पड़ता है जब भी गवर्नमेंट का नया इमिशन नॉर्म आता है। और यहाँ पे कंपनी की मैं बात करूं तो इवन बॉस ने खुद ने प्रेस रिलीज में बोला था कि गवर्नमेंट के जो रिसेंट इमिशन नॉर्म्स आए हैं वो नॉर्म्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो चाहे वो भारत स्टेज 5 हो या भारत स्टेज 6 हो, ये बेसिकली यूरोपियन इमिशन नॉर्म्स के काफी हद तक क्लोज है। और इससे क्या होता है कि ये आपकी गाड़ी की क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है। तो गवर्नमेंट भी जो है ईवी स्टोरी हालांकि पुश कर रहा है, बट गवर्नमेंट भी जब इमिशन नॉर्म्स इतने अच्छे हो गए तो ईवी स्टोरी के लिए गवर्नमेंट थोड़ा सा पेशेंट हो जाएगा, स्पेशली आज की बात करूं फोर व्हीलर्स की बात करूं तो। और मेजर मेजर रेवेन्यू बॉस का जो है 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स से आता है, 2 व्हीलर्स काफी कम आता है, और 2 व्हीलर्स में गवर्नमेंट का पुश ज्यादा रहेगा, बट 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में गवर्नमेंट का पुश इतना अग्रेसिव होगा नहीं, स्पेशली ड्यू टू एमिशन नॉर्म्स। और आपको समझना पड़ेगा कि डीजल कार जो है वो ऑलमोस्ट 40% ऑफ ईवी कार पे आती है, तो कोई आम आदमी जो है मिडिल क्लास आदमी है जो इतना पैसा होता नहीं है कि, जबकि डीजल कार आ रही है 40% कॉस्ट पे आपको, ऑलमोस्ट 6 लाख में आपको गाड़ी आ रही है, तो वहां पे आप 15 लाख पे करके ईवी कार खरीदो, ये एक्चुअली आम आदमी की या इंडिया के अंदर मिडिल क्लास की निशानी होती नहीं है, इतने बेवकूफ मिडिल क्लास होते नहीं है। और ये सेम चीज मैंने अपने ईवी का पर्टिकुलर सेक्टर का जब एनालिसिस किया था वहां पे भी मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर ये सारी चीजें बताई थी। और यहाँ पे अगर आप अगला पॉइंट देखो तो प्री कोविड हम देखते हैं किस तरीके के रिटर्न्स रहे, तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड बॉस का ऑलमोस्ट 20% के ऊपर लगातार रहा था प्री कोविड। और ये जो कंपनी है इन जनरल ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ये साइक्लिकल होता है, ये बेसिकली कैसा रहता है कि आफ्टर एवरी जो नॉर्म होता है गवर्नमेंट का जो एमिशन नॉर्म होता है उसके बाद जो है ये ग्रो होता है और एक कंसोलिडेशन फेज में आता है, इस तरीके के लगातार जो साइकिल्स में मूव होता है। तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर इन जनरल जब साइकिल में है तो उसके एंसिलरी कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा कर नहीं सकती, और ये प्राइमरी रीजन है जो हम देखेंगे भी। और यहाँ पे अगर मैं करेंटली बात करूं तो जैसा सबको लग रहा था कि ईवी स्टोरी के अंदर बॉस जो है बहुत अच्छा स्टोरी है नहीं, बट आपको मैं बताऊं तो टेस्ला है या बजाज ईवी का जो 2 व्हीलर है और हीरो की जो 2 व्हीलर्स है उसमें भी ईवी पार्ट्स जो है, ईवी स्कूटर्स है, ईवी 4 व्हीलर्स है, उसके अंदर भी बॉस जो है काफी सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स दे रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर मिथ है ना कि ईवी स्टोरी के अंदर बॉस जो है बहुत अच्छे सप्लायर नहीं बन सकता, वो अपने आप में एक्चुअली फैक्ट से पता चलता है। और एक और चीज ये है कि बॉस जो है ये 10-20 साल पुरानी कंपनी नहीं है, 115 ईयर्स प्लस हिस्ट्री है इसकी। और ये हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि लगातार जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें कंटिन्यूसली इनोवेशन आए हैं, जहां पे हम घोड़े और बैलगाड़ी से जो कार्ट्स चलते थे वहां से लेके आज के टाइम पे ईवी स्टोरी के अंदर आए हैं। तो लगातार 100 ईयर्स के अंदर जब ये प्रोग्रेस हुई है उसके अंदर ईवी इस तरह की प्रोग्रेस के अंदर बॉस ने अपने आपको लगातार अपने आपको इनोवेट किया है, तो अपने आपको प्रूफ किया है। तो आपको एक्चुअली इस कंपनी पे उस तरीके से आपको समझना चाहिए कि ओवर 100 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको उसको कंसिडर करके डिसीजन लेनी चाहिए। और उसके बाद आपको एक्चुअली नंबर्स देखने चाहिए, तो थोड़ा सा नंबर्स दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं पी रेशियो की बात करता हूं, समझना चाहिए कि क्या ये अंडर वैल्यूड है। तो आप देखोगे कि 5 ईयर्स की मीडियम पी जो है 38 है और करंटली मैं बात करूं तो 31 का पी है, तो थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, ऑलमोस्ट मीडियम पी से काफी नीचे है। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको चार्ट में आप देखिए ऑलमोस्ट 27,000 का शेयर ट्रेड करता था इन 2000
2015 मार्च और ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो गए हैं आज के टाइम पे बात करें तो 14,000 पे ये ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 50% की करेक्शन है इसमें इन लास्ट 7 ईयर्स। तो यहाँ पे प्राइस वाइज ये काफी सस्ता लग रहा है और यही मार्च 2015 में अगर मैं बात करूँ तो किस तरह की सेल्स रही है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मार्च 2015 में ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की सेल्स थी और वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1300 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता है जब ये 27,000 के प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा था। और वहीं अगर मैं रेंट ईयर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ का ये इसका सेल्स भी और नेट प्रॉफिट भी जो है स्लाइटली मोर देन नेट प्रॉफिट ऑफ 2015 है, तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे आ गया। जबकि आप 2015 से लेकर 21 का ये जो फेज है इसमें आप देखोगे तो बहुत ज्यादा खराब नहीं किया है, हालांकि अच्छा भी नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा इसमें जैसे मैंने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपने आप में एक मेजर कंसोलिडेशन आया, साइक्लिकल इंडस्ट्री है तो इस वजह से एक मेजर कंसोलिडेशन हुआ है। और जैसे मैंने पास में भी आपको दिखाया था कि इस तरीके की कंसोलिडेशन कोई सेक्टर में होती है तो आपको उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और इस तरह की कंपनीज में आपको नंबर्स अपने आप में बता देता है कि कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और चीजें यहाँ पे लग रहा है कि चीजें यहाँ हो रही है। हालांकि 2018-19 में चीजें इंप्रूव हुई थी बट अगेन पैंडेमिक की वजह से चीजें जो है खराब हो गई, लोग जो है घर में वापस रहने लगे, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है 2020-21 का और चीजें यहाँ पे इंप्रूव भी हो रही है। और अगर आप पैंडेमिक के बाद भी आप देखोगे तो चीजें इंप्रूव हो रही है, ये अपने आप में जिस तरीके का वॉल्यूम है, जिस तरीके की वॉल्यूम से स्टॉक की खरीदारी हो रही है उससे भी इंडिकेशन होता है कि चीजें जो है यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रही है। तो अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम के अंदर जो है लाइक्स और कमेंट्स के हिसाब से ही जो है वीडियोस रेकमेंड किए जाते हैं टू अदर व्यूअर्स। और जो भी हमारे व्यूअर्स है वो सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट के लिए हम ऑलरेडी गिव अवे स्टार्ट किए हैं और एवरी वीक जो है हमारे कम्युनिटी चैनल के थ्रू जो है हम व्यूअर्स के अनाउंसमेंट करते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।